कट और एक्सटेंडेड डायरेक्शंस को अपने घर में कैसे समझना है, कैसे बैलेंस करना है, पूरी डिटेल में आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वास्तुगुरु अभिषेक गोयल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कट और एक्सटेंडेड दिशाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप अपने घर में कट और एक्सटेंडेड डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले मेरे पास काफी सारे लोग कोर्स करने आते हैं, वो उन्होंने कोई टू डे कोर्स किए होते हैं, कोई फ्री कोर्स किए होते हैं, कुछ भी तो भी किया होता है और उनका कंसर्न होता है कि जी हमें समझ में नहीं आ रही कुछ चीजें। और एक सबसे बड़ा कंसर्न है वो है बार चार्ट। जब आप वास्तु करते हो तो पंच तत्वों की बैलेंसिंग के लिए आपको अपने घर में कट और एक्सटेंडेड डायरेक्शंस जो होती हैं उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और कट और एक्सटेंडेड डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए वास्तु में बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, वो है बार चार्ट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले थोड़ा सा बार चार्ट के बारे में आपको बता दूं। ये बार चार्ट बेसिकली है क्या, यहां नीचे आप 16 जोन्स लिखे देख रहे हैं, यहां पे जोनल पावर लिखी दिखाई दे रही है आपको। अब इस बार चार्ट के हिसाब से यहां पे आपको तीन लाइंस दिखाई दे रही हैं, लोअर बैलेंस, लाइन ऑफ बैलेंस और अपर बैलेंस। इसका मतलब है कि जो जो जोन्स यहां लाइन ऑफ बैलेंस पे आ रहे हैं मतलब आपके घर में वो जोन्स बैलेंस स्टेट में है, जो अपर बैलेंस के ऊपर टच कर रहे हैं वो दिशाएं एक्सटेंडेड हैं, उनका ट्रीटमेंट एक्सटेंशन के हिसाब से आपको करना होगा। और जो दिशाएं लोअर बैलेंस पे हैं मतलब वो कट है। जैसे इस वीडियो में अगर आप देखोगे ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दिशाएं इस घर में कट है, जिस भी घर का ये बार चार्ट है, जिस भी घर का ये नक्शा है। और जो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ 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 ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये जो दिशाएं हैं ये एक्सटेंडेड हैं। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मोटा मोटी ये लाइन ऑफ बैलेंस पे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हैं इनको फॉलो नहीं करना। सबसे पहले बार चार्ट अगर एक्यूरेटली बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्किटेक्ट बना सकता है। कैसे बना सकता है? बार चार्ट बेसिकली होता क्या है, जो आपका टोटल स्क्वायर फीट एरिया होता है, टोटल स्क्वायर फीट एरिया को जब आप 16 से डिवाइड करते हो तो आपके पास लाइन ऑफ बैलेंस निकल के आता है। अपर बैलेंस और लोअर बैलेंस जो है वो उसके बेस पे डिसाइड होती है। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो किसी को सिखाई नहीं जाती, किसी भी कोर्स में बार चार्ट की कैलकुलेशंस जो हैं वो सिखाई नहीं जाती। आपको या तो एक एक्सेल की शीट पकड़ा दी जाती है कि इसमें आप अपने एरियाज वगैरह डाल लीजिए और उसके हिसाब से बार चार्ट बन जाएगा, या फिर जो ड्राफ्ट मैन या आर्किटेक्ट हैं उनके नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि आप इनको पैसे देके इनसे अपना बार चार्ट वगैरह जो है वो बनवा लो। बहुत बड़ी लेवल की कंफ्यूजन है और लिटरली बोलूंगा आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है ये बार चार्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा के। बिना किसी बार चार्ट या बिना किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास की मदद से सिंपल तरीके से कैसे आप अपने घरों में कट और एक्सटेंडेड दिशाओं को फाइंड आउट करोगे और उनको बैलेंस करोगे, आज उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो फॉर्मूला आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं उस फॉर्मूला का नाम है पिज्जा फॉर्मूला। पिज्जा फॉर्मूला की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप अपने घरों में कट और एक्सटेंडेड डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पिज्जा स्लाइस को ध्यान से देखिए, ठीक है? ये एक सर्कुलर शेप पिज्जा है और इस पिज्जा में टोटल 6 स्लाइसेस है, ठीक है? अगर आप हरेक स्लाइस को ध्यान से देखोगे, हर एक स्लाइस को ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जितनी भी ये 6 स्लाइसेस हैं इनका जो एरिया है, इनका जो मेजरमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बिल्कुल इक्वल है। मतलब जितना माल इस स्लाइस में है उतना ही इसमें है, उतना ही इसमें है, उतना ही इसमें है। इस पिज्जा को इक्वली 6 भागों में बांटा गया।
तो ये जो पिज्जा है, ऐसी अगर मान लीजिए गोल आकार की बिल्डिंग हो और उसके अंदर अगर आप 16 दिशाएं मार्क करो, तो इस पिज्जा को हम नाम देंगे बैलेंस्ड स्टेट पिज्जा। या अगर आप यूं कहो कि ये एक बिल्डिंग का नक्शा है जिसके अंदर सर्कुलर शेप की बिल्डिंग है, उसके अंदर आपने 16 दिशाएं मार्क की हुई है, तो इस बिल्डिंग को अगर आपको बार चार्ट के हिसाब से या कट एक्सटेंडेड जोन्स के हिसाब से फाइंड आउट करना है दिशाएं, तो आप बोलोगे कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्पेस है, ये परफेक्टली बैलेंस्ड स्टेट में है, क्योंकि सारी दिशाएं, सारी स्लाइसेस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शंस में है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब आपके पास कुछ इस तरीके का नक्शा हो, तब यहां पे ये एक रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है। इसी सेम रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट को भी आपने पिज्जा फॉर्मूला की मदद से कट और एक्सटेंडेड दिशाओं को फाइंड आउट करना है। कैसे? अब मान लीजिए ये जो एक रेक्टेंगुलर शेप नक्शा है, इसको भी आप एक पिज्जा इमेजिन कर लो कि ये एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर शेप का पिज्जा है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शेप के पिज्जा को हमने 16 स्लाइसेस में काट दिया, 16 दिशाओं में बांट दिया। तो ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एरिया नॉर्थ डायरेक्शन का हो गया। सिमिलरली ये जो एरिया है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हो गया। इतना जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हो गया। जो ये वाला एरिया है वेस्टर्न साइड का, ये इतना एरिया हो गया। और ये वाली जो स्लाइस है ये ईस्ट की हो गई। बाकी स्लाइसेस भी इसी तरीके से कट जाएंगी। अब अगर इसी ड्राइंग में, इसी पिज्जा में मैं आपको बोलूं कि सबसे बड़ी स्लाइस कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? नॉर्थ की स्लाइस बहुत बड़ी है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की स्लाइस बहुत बड़ी है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है, साउथ साउथ वेस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सारे बड़े जोन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसी पिक्चर में अगर मैं आपको बोलूं कि छोटी स्लाइसेस कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? वेस्टर्न स्लाइस जो है ये काफी छोटी है देखने में, ईस्ट भी काफी छोटी है देखने में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी काफी छोटी है देखने में, ईस्ट साउथ ईस्ट भी बहुत छोटी है देखने में, ऐसे ही इनके अपोजिट वाली भी। अब ये तो हो गई एक्सटेंडेड दिशाएं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, और ऐसे ही इनके अपोजिट में साउथ साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ साउथ ईस्ट। ये तो हो गई एक्सटेंडेड डायरेक्शंस। जो ग्रीन वाले स्टार्स आप देख रहे हैं ये हो गई आपकी कट डायरेक्शंस। बची कौन सी? ये नॉर्थ वेस्ट वाली, साउथ वेस्ट वाली, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये ना तो आपको कट दिख रही है ना एक्सटेंडेड दिख रही है, बीच में है, कट और एक्सटेंडेड के बीच में फॉल करती है। तो इन डायरेक्शंस को आप बोल सकते हो ओके ओके डायरेक्शंस या बैलेंस डायरेक्शंस। तो आपको ट्रीटमेंट कहां पे करना है? इन तीनों, और इन तीनों डायरेक्शंस में आप एक्सटेंडेड के हिसाब से ट्रीटमेंट्स करोगे, और ये वाली जो है, ये तीन और ये तीन, इन सभी दिशाओं में आप कट के हिसाब से ट्रीटमेंट्स करोगे। एक और नक्शा देख लेते हैं। अब उसी नक्शे को मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल शेप में डाल दिया। अब यहां पे कट कौन सी हो गई? ये दिशाएं आपको कट दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली ये दिशाएं आपको कट दिखाई दे रही हैं। अब इस केस में इधर वाली जो है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये वाली जो है ये आपको ओके ओके दिखाई दे रही है, ना बहुत ज्यादा कट है ना बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। तो सिंपल पिज्जा फॉर्मूला की मदद से आप अपने घर में कट और एक्सटेंडेड डायरेक्शंस के बारे में बड़े आसानी से, बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा इररेगुलर शेप नक्शा दिखाता हूं। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस नक्शे में भी आपको द पिज्जा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो क्या है? आप देखो, आप यहां पे जो ये एरिया है ये सारा कट है,
ठीक है, तो उसके अंदर ये वाली डायरेक्शंस, ये आपकी 100% कट डायरेक्शंस है। एक्सटेंडेड की अगर आप बात करोगे तो देखो ये वाली डायरेक्शंस जो है वेस्ट की डायरेक्शन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, साउथ वेस्ट की जो स्लाइस है ये भी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, ऐसे ही नॉर्थ का जो एरिया है इसको आप कट मानोगे, देखो कितना कितना छोटा सा स्लाइस मिल रहा है अपने को यहां पे नॉर्थ का, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है इसमें एक सफिशियंट अमाउंट है, ओके ओके है, ये वाली भी एक्सटेंडेड है, इसको भी आप कट की कैटेगरी में लोगे, ये भी कट की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि एक इररेगुलर शेप प्लॉट है। तो ऐसे नक्शे में भी आपने सिंपल सा पिज़्ज़ा फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायरेक्शन कट है, कौन सी डायरेक्शन एक्सटेंडेड है। चीजों को जितना सिंपल तरीके से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, चीजों को समझने में तभी मजा आता है जब वो आसान तरीके से समझी जाए। तो आपकी कोई भी कंफ्यूजन थी अब तक बार चार्ट या और दूसरी फालतू की चीजों को लेके, तो उन सारी कंफ्यूजन को हटा के सिर्फ एक पिज्जा फॉर्मूला से आप अपने घर में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन आपके घर में कट है, कौन सी डायरेक्शन आपके घर में एक्सटेंडेड है।